हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल जेके लेटेस्ट इन्फो। तो आज की इस वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट यहां पर डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले जेके एसएसबी की तरफ से नया प्रेस रिलीज आ चुका है, वो डिस्कस करेंगे। इंडियन नेवी की तरफ से फ्रेश जॉब अपडेट और सीआईडी कॉल्स वाली जो बात चल रही है वो भी डिस्कशन कर लेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर बात कर लेते हैं जेके एसएसबी की। बात करें इनकी तरफ से आज एक ऑफिशियल अपडेट यहाँ पर आ चुका है, जहाँ पर सबमिशन की बात करी गई है एफिडेविट क्लास फोर के कैंडिडेट्स के लिए। ये नोटिफिकेशन पढ़ लेते हैं। यहाँ पर कहा गया है क्लास फोर के जो कैंडिडेट्स थे जिन्होंने अप्लाई करा था पीएम पैकेज की बात करें कश्मीरी माइग्रेंट्स एंड नॉन माइग्रेंट्स कश्मीरी पंडित्स की पोस्ट में, और जिनकी सिलेक्शन हो चुकी है, जिनका फाइनल नाम वगैरह आ चुका था, उनकी वेरिफिकेशन चल रही है, उन्हें कहा गया कि उन्हें एफिडेविट यहाँ पर सबमिट करवाना है। जिन्होंने क्लास फोर के लिए अप्लाई करा था वही है सेम टू सेम की 10+2 मैक्सिमम क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, मिनिमम जो है 10th पास होने चाहिए, और अगर बाद में कभी भी लगता है कि हायर क्वालिफिकेशन वगैरह है तो उन्हें बाहर निकाल दिया जाएगा। इस तरह का जो एफिडेविट बना के आपको ले जाना पड़ेगा, ये बातें आपको बताई गई हैं। और जो भी आपको ले जाना पड़ेगा आपको बताया एड्रेस वगैरह जम्मू श्रीनगर के अपने ऑफिस में जाना पड़ेगा। 5, 6 और 7 अक्टूबर का आपको टाइम देगा, सुबह 10:30 बजे से आप जा सकते हैं। उसके बाद कोई क्लेम आप नहीं कर सकते हमें टाइम नहीं मिला, ये नहीं मिला, वो नहीं मिला। ये 3 डेट्स आपको सामने मैंशन कर देगी, इन 3 डेट्स में आपको जाना है। ये था जेके एसएसबी की तरफ से फ्रेश अपडेट जो आपको मैंने बताया। बाकी सीआईडी कॉल्स वाली जहाँ तक हम बात करें, जो ये वेरिफिकेशन की बात चल रही है, तो ये फैक्ट है अभी सभी बच्चों को कॉल नहीं आई है सीआईडी की तरफ से। अगर हम बात करें कुछ बच्चों को यहाँ पे कॉल आई है। अब ऐसा भी नहीं कि सीरियल नंबर आ रहा है, वो हमें भी समझ नहीं आ रहा कि किस तरह से कॉल वगैरह करें, किन कैंडिडेट्स को कॉल करें। बट हाँ ये है कि आपको पता है कि अगर आपके सिलेक्शन वगैरह हो जाएगी फिर भी सीआईडी वेरिफिकेशन वगैरह होती ही है, तो सीआईडी वेरिफिकेशन पर इस होने में कोई फेक बात नहीं। कभी सीआईडी वेरिफिकेशन वगैरह होगी पूरा रिकॉर्ड वगैरह आपका चेक होता है, कोई केस वगैरह तो नहीं, इस तरह की बातें वहाँ पर देखी जाती है। कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको कहा जाएगा सबमिट करवाने के लिए, आपके जगह जो भी पुलिस स्टेशन वगैरह होगा जहाँ पर भी बोलेंगे वहाँ पर जगह आपको डॉक्यूमेंट्स हमें सबमिट करवाने होंगे, और धीरे धीरे सबको कॉल्स वगैरह आती रहेंगी। और जैसे ही प्रोसेस कंप्लीट होगा हो सकता है उसके बाद एक फाइनल सिलेक्शन लिस्ट वगैरह तैयार हो, तो आपका नाम वगैरह जो भी है। बट हाँ ये फेक नहीं है जो कॉल्स वाले इशू हो रहा है, यहाँ पर कई सारे कैंडिडेट्स को कॉल आ चुकी है और कई सारे वेट कर रहे होंगे, और बहुत सारे कैंडिडेट्स को भी कॉल आने भी है। और किस किस को कॉल आ चुकी है वो सभी जो है वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे, और कौन कौन वेट कर रहा है वो भी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। और जिनको कॉल आई है किसी भी तरह से सीआईडी की तरफ से, वो सारी डिटेल्स शेयर करेंगे कमेंट सेक्शन में कि उन्हें क्या क्या पूछा गया था वहाँ पर, ताकि जो भी बच्चे ये वीडियो देखने वाले उन्हें ट्रस्ट हो कि हाँ हमें कॉल आई थी और क्या क्या हमें पूछा गया था या क्या क्या हमें बताया गया था। आगे चलते हैं नेक्स्ट अपडेट में बढ़ने से पहले आपको बताना चाहूँगा, आज की इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक सब इंस्पेक्टर का फ्री मॉक टेस्ट मिल जाएगा और दूसरा जूनियर असिस्टेंट का फ्री मॉक टेस्ट मिल जाएगा। ये दोनों मॉक टेस्ट जो है ओली बोर्ड के द्वारा प्रोवाइड करे जा रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है यहाँ पर, तो आप जाकर अटैम्प्ट कर सकते हो। और ओली बोर्ड के एप्लीकेशन का लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आगे चलते हैं यहाँ पे लास्ट अपडेट की हम बात करते हैं, जो कि इंडियन नेवी की तरफ से 10+2 की बात करें कैडेट एंट्री स्कीम यहाँ पर है। यहाँ पे अगर अप्लाई करना चाहते हो 1 अक्टूबर से फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं, लास्ट डेट ऑनलाइन अप्लाई करेंगे 10 अक्टूबर है, 10 अक्टूबर तक आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर दो तरह की वैकेंसीज हैं, एक एजुकेशन ब्रांच की वैकेंसीज हैं जहाँ पर डेट ऑफ बर्थ बोलें 2002 और 2005 के बीच में होनी चाहिए, और एग्जीक्यूटिव और टेक्निकल ब्रांच की बात करें 2 जुलाई 2002 और 1 जनवरी 2005 के बीच की डेट ऑफ बर्थ आपकी होनी चाहिए। सिर्फ इंटरनेशनल से अप्लाई कर सकते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें, अगर आप 10+2 पास हो, 12th पास हो, और आपके एटलीस्ट 70% मार्क्स थे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स में, और कम से कम 50% इंग्लिश में थे, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। और अगर आप अपियर हुए हो जेई मेन वगैरह के लिए तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। बेसिक सी कंडीशंस रखी गई हैं। बाकी अप्लाई कैसे करना है आपको ज्वाइन इंडियन नेवी .gov.in के ऑफिशियल वेबसाइट जाकर विजिट करना होगा, वहाँ पर जाके अप्लाई कर सकते हो। ये थे कुछ आज के इंपॉर्टेंट अपडेट्स, मुझे उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। और एक अपडेट आपको देना चाहूँगा, और जल्दी हम अपनी एप्लीकेशन जो है वो प्ले स्टोर में पब्लिश करने वाले हैं, पोस्ट करने वाले हैं, उस एप्लीकेशन के बारे में आपको बता दिया जाएगा, तो आप वो एप्लीकेशन ज्वाइन कर सकते हो। और वहाँ पर हम कुछ कोर्सेज वगैरह लॉन्च करेंगे, जैसे जेके एसएसबी फॉरेस्ट गार्ड का होगा, इस तरह के कोर्सेज के बारे में बता देंगे। और जल्दी ही आने वाले 10 से 15 दिनों में हम जो एसआई की क्लासेस थी उनको दोबारा से कंटिन्यू करेंगे, और दोबारा से एसआई का जो यूट्यूब में पढ़ाना है वो स्टार्ट कर देंगे। बाकी कोई भी डाउट होगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर पूछना। थैंक यू, जय हिंद।